अब बात करेंगे एक और पॉइंट की कि प्रोजेक्शन मतलब एक और प्रॉपर्टी हमारी मतलब एक और एप्लीकेशन है वो क्या है प्रोजेक्शन और बोले तो कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर मतलब इसका मतलब क्या है कि एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे पे निकालना है एक वेक्टर का प्रोजेक्शन किस पे निकालना है दूसरे पे मान लीजिए आपको दे रखा है ये ए वेक्टर दे रखा है और ये दे रखा है आपको बी वेक्टर सिंपल और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है थीटा इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है आपको निकालना है मान लीजिए आपको निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर क्या निकालना है आपको प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर ठीक है प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर मतलब आपको ये निकालना है मान लीजिए ये वाला निकालना है ये क्या बताओ इस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा बी इसका यहां पे ये प्रोजेक्शन ये कितना होगा बोलो अरे ये 90 प्रोजेक्शन ऐसे हो जाएगा ना ऐसे प्रोजेक्शन तो प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा बी कॉस थीटा अगर इस प्रोजेक्शन का हमें वेक्टर लिखना है प्रोजेक्शन वेक्टर लिखना है मान लीजिए ए है और ये पी है मतलब ओपी वेक्टर लिखना है ओपी वेक्टर क्या है प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर ओपी वेक्टर क्या है प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर अगर ओपी वेक्टर लिखना है तो ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि कितना है बी कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय द डायरेक्शन ऑफ ओपी वेक्टर बट द डायरेक्शन ऑफ ओपी वेक्टर इज इक्वल टू द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर मतलब द डायरेक्शन ऑफ ओपी वेक्टर को क्या लिखता हूं ओपी कैप इक्वल टू क्या है किसकी डायरेक्शन में ये ए वेक्टर की डायरेक्शन में और ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी ए कैप होगी या नहीं होगी तो मतलब यहां पे मल्टीप्लाई बाय मैं ओपी कैप करूंगा तो यहां पे मैं कह सकता हूं इट इज बी कॉस थीटा ए कैप कोई शक नहीं होना चाहिए इससे हम यहां पे क्या सीख सकते हैं बी कॉस थीटा ए कैप को क्या लिख सकता हूं क्योंकि मुझे पता है ए वेक्टर इक्वल टू क्या होता है ए इंटू ए कैप ए क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और ए कैप क्या है डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर तो ए कैप को यहां से लिख सकता हूं मैं ए वेक्टर अपॉन ए लिख सकता हूं ना यहां पर ए कैप को लिख दो ए वेक्टर अपॉन ए ऐसा लिख सकता हूं अरे कोई टेंशन है क्या नहीं होनी चाहिए ठीक है अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करें यहां पर मैं ऊपर अगर देखना चाहूं तो यहां पे मैं क्या कह सकता हूं यहां पे मैं कह सकता हूं अगर यहां पे मैंने ए का मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर मतलब यहां पे अगर ए का मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर ए का मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी ए का मल्टीप्लाई कर दिया नीचे भी क्या कर दिया ए का मल्टीप्लाई तो ए स्क्वायर हो जाए अरे समझ आ रही है ए का नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ए स्क्वायर हो जाए ये क्या है ये ए डॉट बी ये क्या है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए वेक्टर ध्यान से सुनिएगा ए डॉट बी अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए वेक्टर ये क्वांटिटी तो पूरी क्या होगी स्केलर और ये वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन ओपी वेक्टर जो आपका आ गया वो ये आ गया ये ओपी वेक्टर है क्या इसकी कई डेफिनेशन है जिनको हम लिखने की कोशिश करते हैं अब इसकी कई डेफिनेशन जिनको हम लिखने की कोशिश करते हैं देखो क्या कंपोनेंट इसको ओपी वेक्टर को भाषा में हम मतलब डेफिनेशन देना चाहते हैं इसको तो लिख सकते हैं दिस इज द कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर समझ आ रही है
कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर लिख सकते हैं, दूसरा क्या लिख सकते हैं, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन वेक्टर, प्रोजेक्शन वेक्टर ऐसे लिख दो, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर अलोंग या ऑन ऑन ए वेक्टर। तीसरा क्या क्या लिख सकते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर एंगुलर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। दोबारा सुनिए, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर बोल सकता हूं, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर बोल सकता हूं, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर बोल सकता हूं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ये भी बोल सकता हूं। समझ आ रही, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ये भी मैं बोल सकता हूं। इसमें सबसे खास बात यह है कि ए वेक्टर के अलोंग या ए वेक्टर पे जो आएगा कंपोनेंट, जो कि हमने ओपी यहां पे बोला है, वो जब भी आएगा तो ए वेक्टर यहां पे आएगा, और यहां पे आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। समझ आ रही, यहां ए है तो यहां ए, समझ आ रही है। अगर इसका पता उल्टा निकालना चाहूं ना मैं, अगर इसका उल्टा निकालना चाहूं, उल्टा क्या कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, मतलब ए वेक्टर ये है, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर, ये वाला हो जाएगा, ये वाला। अगर इसे मैं क्यू बोल दूं तो जो ओ क्यू वेक्टर है ना, ओ क्यू, ओ क्यू, ओ क्यू क्या है पता है, ओ क्यू क्या है, ओ क्यू है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। दूसरा बोल सकता हूं प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर ऑन द बी वेक्टर, ये बोल सकता हूं, इतनी सारी डेफिनेशन दे सकता हूं इसकी, ठीक है, ओ क्यू वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर किसकी, ओ क्यू वेक्टर। ओ क्यू वेक्टर को निकालूंगा कैसे, देखो ये लेंथ कितनी है, ये टोटल लेंथ, ये पूरी लेंथ कितनी है ए, क्योंकि हमें पता है ओ से ए तक लेंथ कितनी है ए, ये एंगल 90 है, तो ये वाली लेंथ ओ क्यू कितनी हो जाएगी, अगर मैं ओ क्यू की कहूंगा तो ए क्यू, ओ क्यू कितनी हो जाएगी, ओ क्यू ए कॉस थीटा, ए पूरी कॉस थीटा, मतलब ये हो जाएगी ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, समझ आ रही है, ए कॉस थीटा। अगर मैं ओ क्यू वेक्टर लिखना चाहता हूं, क्या लिखना चाहता हूं, यहीं पे लिख देता हूं, मान लीजिए मैं ओ क्यू वेक्टर लिखना चाहता हूं, तो ओ क्यू का मैग्नीट्यूड, ओ क्यू का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय द ओ क्यू की डायरेक्शन, ओ क्यू का मैग्नीट्यूड ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, डायरेक्शन क्या है ओ क्यू की, डायरेक्शन ऑफ ओ क्यू वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ ओ क्यू वेक्टर इज इक्वल टू द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ ओ क्यू वेक्टर इज इक्वल टू द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, मतलब बी वेक्टर की डायरेक्शन बी कैप इक्वल टू किसकी है, ये ओ क्यू वेक्टर की डायरेक्शन के, और बी कैप को क्या लिख सकता हूं मैं, बी कैप को लिख सकता हूं बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, यहां से मतलब oq कैप को क्या लिख सकता हूं, b वेक्टर अपॉन b, तो यहां से देखिए एक b ऊपर यहां पे मल्टीप्लाई करूं मैं, एक b यहां पे मल्टीप्लाई करूं, एक b नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या बन गया ab cos थीटा, क्या बन गया ये a वेक्टर डॉट b वेक्टर बन गया, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, ये क्या है b वेक्टर और अपॉन में क्या आ गया b स्क्वायर, अपॉन में क्या आ गया b स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा oq वेक्टर क्या है, oq वेक्टर है कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर अलोंग b वेक्टर, या फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर व्हिच इज इन द डायरेक्शन ऑफ b वेक्टर, समझ आ रही, या फिर बोले तो प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ a वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ b वेक्टर, या प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन द b वेक्टर। तो यहां पे जो oq वेक्टर जो है ना, oq वेक्टर वो पता है आपका क्या आया, वो आया है a वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी स्क्वायर,
मतलब b वेक्टर पे प्रोजेक्शन तो यहां पे b स्क्वायर और यहां पे b वेक्टर, a वेक्टर पे प्रोजेक्शन तो यहां पे a वेक्टर यहां पे a, मतलब दिस इज, ये क्या है, ये है प्रोजेक्शन ऑन, प्रोजेक्शन ऑन a वेक्टर, ये क्या है, ये है प्रोजेक्शन ऑन b वेक्टर, ठीक है, ध्यान रहे, जब b वेक्टर पे प्रोजेक्शन है तो यहां पे b वेक्टर यहां पे b स्क्वायर, जब a वेक्टर पे प्रोजेक्शन है तो यहां पे a वेक्टर यहां पे a स्क्वायर, सो दैट इज अ डिफरेंस, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल मैं पूछ लूंगा आपसे, पहले ये थ्योरी लिखो अच्छे से समझने की इसे कोशिश करो, लिखिए पहले। मान लीजिए एक एग्जांपल अगर आपको दूं, a वेक्टर आपको दे रखा है, मान लीजिए 2i कैप प्लस 3j कैप, कितना दे रखा है मान लीजिए आपको 2i कैप प्लस 3j कैप, और b वेक्टर आपको दे रखा है मान लीजिए i कैप प्लस j कैप, सिंपल। तो आपको पूछ लिया मान लीजिए कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a ऑन द b वेक्टर, क्या निकालना है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a अलोंग b वेक्टर या फिर ऑन द b वेक्टर, क्या हो जाएगा, सिंपल, इसमें तो कुछ भी नहीं है, b वेक्टर के अलोंग निकालना है, b वेक्टर के अलोंग बोल लो या b वेक्टर पे बोल लो, इसका मतलब b वेक्टर तो यहां लगा लो और a वेक्टर डॉट b वेक्टर, और यहां पे b आया मतलब यहां पे b स्क्वायर, खत्म। a डॉट b कर दो, a डॉट b 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, b वेक्टर क्या दे रखा है बोलो, i कैप प्लस j कैप, यही तो दे रखा है b वेक्टर अपॉन b स्क्वायर, b क्या है, b इज द मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, और मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर क्या होगा बोलो, स्क्वायर रूट ऑफ i के साथ क्या है 1 है तो 1 स्क्वायर, प्लस j के साथ क्या है 1 है तो 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट 2, और रूट 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर बोलो 2, ये क्या बना 5, तो 5i कैप प्लस j कैप बाय 2, समझ आ रही है, क्योंकि रूट 2 इज द b, तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, 5 बाय 2 i कैप प्लस j कैप, ऐसे हम निकाल सकते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो नाउ एक और चीज पूछी जा सकती है आपसे, मान लीजिए जैसे हमने निकाला कि इफ दिस इज a वेक्टर एंड दिस इज b वेक्टर, ठीक है, हमने निकाल लिया था कि कंपोनेंट ऑफ b वेक्टर ऑन a वेक्टर, क्या निकाला था हमने अभी, op वेक्टर, क्या निकाला था, a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन a स्क्वायर a वेक्टर, ये क्या निकाला था बोलो, op वेक्टर क्या था, कंपोनेंट ऑफ b वेक्टर अलोंग a वेक्टर, यही तो था OP वेक्टर, समझ आ रही, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, ऐसे हमने क्या निकाला था, इसका कंपोनेंट यहां पे Q माना था, OQ, OQ वेक्टर क्या निकाला था, A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन B स्क्वायर B वेक्टर, इसको क्या और लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ये था A, अगर यहां पे एंगल ये थीटा है तो A cos थीटा, क्या लिख सकते थे, A cos थीटा, सॉरी इसको लिख सकते थे अपन, ये था ओपी क्या था, बी का कंपोनेंट ए के अलोंग, बी का कंपोनेंट ए के अलोंग, ठीक है ना, बी का कंपोनेंट ए के अलोंग, तो इसको क्या लिखा था हमने, बी कॉस थीटा, इसकी लेंथ हो गई मल्टीप्लाई बाय द डायरेक्शन ऑफ ओपी वेक्टर विच इज इक्वल टू द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, तो मल्टीप्लाई बाय ए कैप, इसको क्या लिख सकता हूं ऐसे, इसको लिख सकता हूं ए कॉस थीटा बी कैप, ये क्या है बेसिकली, ये था कंपोनेंट ऑफ ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, और ये क्या था कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, यही तो था। अब मैं एक और चीज आपको पूछ लूं कि बी वेक्टर का कंपोनेंट ए वेक्टर के अलोंग तो ये है,
अगर मैं दूसरी चीज आपको पूछ लूं कि कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू द ए वेक्टर, अब बी वेक्टर का एक कंपोनेंट ऐसा पूछ लूं कि जो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, तो वो क्या होगा बताओ, क्योंकि देखो बी वेक्टर का एक कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन में, ए वेक्टर की डायरेक्शन में, दूसरा कंपोनेंट मतलब परपेंडिकुलर टू द ए वेक्टर कौन सा कंपोनेंट होगा, ये वाला, मतलब ये मान लो कि जो मैं बोल रहा था ना कि बी का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो कि ए के अलोंग है वो तो ये है, बी का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो कि ए के परपेंडिकुलर है वो ये है, समझ आ रही है, सिंपल सी बात, ए के परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट है ये, इसको निकालने के देखो दो तरीके हैं, कि मान लीजिए ये ओपी है, ये मान लीजिए दूसरा जो कंपोनेंट है वो ओ आर वेक्टर मान लो इसको, ओ आर वेक्टर, और जो बी वेक्टर है ना बी वेक्टर, उसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, एक है ओपी वेक्टर, एक है ओ आर वेक्टर, क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी वेक्टर को मैं एक्स और वाई में रिजॉल्व करना चाहता हूं, एक्स और वाई मान लीजिए वेक्टर है, मान लीजिए ए वेक्टर है, मान लीजिए पी वेक्टर है, क्या है पी वेक्टर, तो मैं इसको अगर एक्स और वाई में रिजॉल्व करना चाह रहा हूं, ये मान लीजिए हमारा ओ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो मैं लिख चुका हूं, पहले भी लिख चुका हूं कि ओ ए वेक्टर विल बी इक्वल टू ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर, या फिर बोला है तो पी वेक्टर इक्वल टू OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर, अगर आपको P वेक्टर पता है और मान लीजिए OB वेक्टर पता है तो OC वेक्टर क्या होगा, OC वेक्टर होगा P वेक्टर माइनस OB वेक्टर, वही यहां पे करेंगे। अब आपको पता क्या है, आपको पता है OP वेक्टर और आपको B वेक्टर भी पता है, तो कंपोनेंट ऑफ B वेक्टर परपेंडिकुलर टू द A वेक्टर ये कौन सा है, ये OR वेक्टर ही तो है, OR वेक्टर, वो क्या होगा फिर, OR वेक्टर इक्वल टू B वेक्टर माइनस OP वेक्टर, क्या होगा B वेक्टर माइनस OP वेक्टर, B वेक्टर माइनस OP वेक्टर, B वेक्टर माइनस OP वेक्टर, समझ आ रही है, ये क्या हो जाएगा B वेक्टर माइनस OP वेक्टर, अब OP वेक्टर हमको पता है क्या है, ये OP वेक्टर है, B cos थीटा A कैप, या फिर ये पूरी वैल्यू लिख दो, पूरी वैल्यू क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए स्क्वायर ए वेक्टर, सो ये कौन सा कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू द ए वेक्टर, परपेंडिकुलर टू द ए वेक्टर, मैंने बताया था कि बी वेक्टर का दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो सकते हैं, एक इस डायरेक्शन में, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमने निकाल चुके, तो इस डायरेक्शन का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, सिंपल, ऐसे ही अगर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ लूं कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द बी वेक्टर, तो ए वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग द बी वेक्टर तो ये हो गया ओ क्यू वेक्टर, और परपेंडिकुलर टू द बी वेक्टर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ये वाला वेक्टर, समझ आ रही है, ये वाला वेक्टर, अगर इसे एस मान लूं तो बेसिकली ओएस वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर टू द बी वेक्टर, और ये ओएस वेक्टर क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, मतलब अगर मैं बात करूं कि ए वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन कौन से है, एक तो OQ वेक्टर और एक OS वेक्टर, तो मैं इसको लिख सकता हूं OQ वेक्टर प्लस OS वेक्टर, समझ आ रही है, तो यहां से OS वेक्टर अगर मुझे निकालना है तो वो क्या होगा, A वेक्टर माइनस OQ वेक्टर, और A वेक्टर हमें क्वेश्चन दिया होगा तो पता होगा, OQ वेक्टर हमारा यहां से पता है क्या है, A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन B स्क्वायर B वेक्टर, सो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ A वेक्टर परपेंडिकुलर टू द B वेक्टर, दैट्स हाउ वी कैन थिंक अबाउट इट ऑल्सो, ठीक है ना, तो ऐसे हम सोच सकते हैं, ऐसे हम कर सकते हैं, घबराने की जरूरत है नहीं, लिखिए।
So direction, now direction cosine of a given vector, मतलब किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है तो क्या होती है डायरेक्शन कोसाइन वो समझते हैं। पहले मैंने आपको एक चीज बताया था, शायद आपको पता हो, जब आपको बताया था कि रिजोल्यूशन रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन 3D या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन 3D, इसके बारे में जब बात की थी मैंने, तो आपको कुछ चीजें मैंने बताई थी। मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, और एक वेक्टर है, मान लीजिए ये वाला वेक्टर, ये वाला क्या है, एक वेक्टर, ये वाला वेक्टर नॉर्मल, ये वाला वेक्टर, ठीक है, ये पॉइंट ए है आपका, और ये वाला इसका कोऑर्डिनेट है मान लीजिए एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। इस अगर मैं इस वेक्टर को मैं अगर आर वेक्टर मानू, क्या मानू, आर वेक्टर, तो आर वेक्टर में क्या लिख सकता हूं, बोलो, आर वेक्टर लिख सकता हूं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये तो समझ आई है, आर वेक्टर क्या है, ए का पोजिशन वेक्टर, और ये तो क्लियर है कि ये है कैसे। मैं ये भी बता चुका हूं आपको कि मान लीजिए ये ब्लू वाला ऊपर की तरफ y एक्सिस और आपकी तरफ ग्रीन वाला क्या है z एक्सिस, और राइट आपके राइट में क्या है, आपके राइट में क्या है, अरे बोलो, ब्लैक, जो कि क्या है x एक्सिस, और जो हमारा r वेक्टर है वो कुछ ऐसा है, समझ आ रही, r वेक्टर है वो कुछ ऐसा 3D में, 3D में समझ आ रही है, ये ऐसे r वेक्टर, यहां पे पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है, ए पॉइंट x कॉमा वाई कॉमा जेड, समझ आ रही है। तो इसमें एक चीज मैंने आपको बताई थी, आपको याद होगा कि मान लीजिए ये जो r वेक्टर है वो x एक्सिस के साथ में अल्फा एंगल बना रहा है और y एक्सिस के साथ में बीटा एंगल बना रहा है और यही z एक्सिस के साथ में गामा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, गामा एंगल किसके साथ में बना रहा है, z एक्सिस के साथ में गामा एंगल। ये बताया था ना मैंने आपको, बहुत अच्छे से बताया था, आपको याद हो तो, बहुत अच्छे से बताया था मैंने इस चीज को आपको, कि मान लीजिए कुछ ऐसे आपको दे रखा है, मान लीजिए कुछ ऐसे आपको दे रखा है, ठीक है, और ऐसे में आपको क्या दे रखा है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, r वेक्टर, ये पेन जो दिख रहा है वो r वेक्टर है, ये क्या है आपका, आपकी तरफ z एक्सिस, ये आपके राइट में क्या है, ब्लैक वाली x एक्सिस, ऊपर क्या है, ऊपर क्या है बोलो, y एक्सिस। तो देखो इस r वेक्टर का ये वाला एंगल, ये वाला एंगल किसके साथ, x एक्सिस के साथ, ये कितना दे रखा है अल्फा, और ये देखो r वेक्टर का ये एंगल y एक्सिस के साथ में ये कितना दे रखा है बीटा, और इस r वेक्टर का देखो ध्यान से देखो ये वाला एंगल z एक्सिस के साथ एंगल, z एक्सिस के साथ एंगल, z एक्सिस के साथ एंगल, ये कितना दे रखा है आपको, गामा, गामा दे रखा है, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात, इसको क्यों मैं ये बता रहा हूं, क्यों ये सॉल्व करना है वो चीज मैं बताता हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन कोसाइन किसको बोलते हैं वो मैं बता रहा हूं। डायरेक्शन कोसाइन इन्हीं को बोलते हैं। अगर मैं डायरेक्शन कोसाइन की बात करूं, किसकी, डायरेक्शन कोसाइंस की मैं अगर बात करूं, तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ आर वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ आर वेक्टर अगर मैं बात करूं तो वो पता है क्या, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, समझ आ रही है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा इज द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ आर वेक्टर, सिंपल। तो अब बेसिकली हमें कुछ नहीं निकालना, cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा ही निकालना है और कुछ नहीं निकालना। अगर आपको ये x, y, z दे रखा है तो x, y, z के फॉर्म में, x, y, z के फॉर्म में cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा निकालना है। मान लीजिए आपको दे दिया गया ये पॉइंट 1, 2, 3 और आपको पूछ लिया जाएगा कि इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो पोजिशन वैक्टर होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको कोसाइन मतलब डायरेक्शन कोसाइंस लिखिए, तो आप कैसे लिखोगे वो मैं बताने वाला हूं। अब आप समझ तो गए होंगे
अल्फा क्या है? अल्फा इज द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड आर वेक्टर. अल्फा इज द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड आर वेक्टर. तो अल्फा क्या है? एक्स एक्सिस एंड आर वेक्टर के बीच में एंगल है. तो अगर मैं ऐसा करूं आर वेक्टर डॉट आई कैप, आर वेक्टर डॉट आई कैप अगर मैं करूं, आर वेक्टर डॉट आई कैप मतलब आई कैप एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर है, आई कैप क्या है एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर, मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इज आई कैप, मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, वन है, जिसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है, वो है हमारा क्या आई कैप. और एक्स एक्सिस और आर वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? अल्फा. अल्फा इज द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड आर वेक्टर, मतलब अल्फा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड आई कैप. अल्फा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड आई कैप. तो यहां से क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मॉड ऑफ आर वेक्टर, मतलब आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, जो कि क्या होगा वन हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड आई कैप, जो कि क्या है कॉस अल्फा. तो यहां से देखा जाए तो आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर ये है और आर वेक्टर का आई कैप के साथ मुझे डॉट करना है, आर वेक्टर का आई कैप के साथ में डॉट करना है. तो आप खुद ही सोचिए आई कैप का डॉट मतलब क्या करना है, मैं आपको लिख के बता देता हूं. आर वेक्टर क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट आई कैप मल्टीप्लाई इक्वल टू आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड. इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ये तो हमको पता होना चाहिए. मॉड ऑफ आर वेक्टर विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई कैप के साथ एक्स स्क्वायर प्लस जे कैप के साथ वाई स्क्वायर प्लस के कैप के साथ जेड स्क्वायर. ये हो जाएगा ठीक है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप वन कॉस अल्फा. कॉस अल्फा देखो आई कैप का इसके साथ डॉट होगा पहले, तो आई कैप डॉट आई कैप वन और यहां पे बच जाएगा एक्स प्लस वाई कैप की मतलब जे कैप के साथ आई कैप का डॉट होगा तो जीरो, क्योंकि जे कैप और आई कैप दोनों परपेंडिकुलर है और इनका डॉट करूंगा तो वो क्या हो जाएगा जीरो. वो पता भी है हमको कि जे कैप डॉट आई कैप क्या होता है जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा. ऐसी आई कैप का के कैप के साथ डॉट होगा तो वो भी जीरो, तो बच जाएगा यहां पे ओनली एक्स. तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉस अल्फा. तो यहां से कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा. ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कहूं कॉस बीटा की वैल्यू निकालनी है तो आप खुद ही बताइए क्या कैसे निकालूंगा, खुद बताओ, आप खुद बताओ, मैं नहीं बताऊंगा. मतलब आर वेक्टर का डॉट जे कैप के साथ करूंगा, आर वेक्टर का डॉट जे कैप के साथ करूंगा, क्योंकि जे कैप और आर वेक्टर के बीच में एंगल कितना है बीटा, मतलब जे कैप क्या है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस और आर वेक्टर के बीच में एंगल है हमारा बीटा. समझ आ रही है, तो हमको बीटा निकालने के लिए मतलब कॉस बीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा वाई एक्सिस एंड हमको आर वेक्टर लेना पड़ेगा, मतलब आर वेक्टर डॉट जे कैप करना पड़ेगा और उसको लिखना पड़ेगा मॉड ऑफ आर वेक्टर मॉड ऑफ जे कैप जो कि वन हो जाएगा कॉस बीटा. तो यहां से जो कॉस बीटा की वैल्यू आएगी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कॉस बीटा विल बी इक्वल टू वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बताऊं, अगर मैं जेड एक्सिस की बात करूं, जेड एक्सिस एंड आर वेक्टर की बात करूं तो इनके बीच में एंगल कितना है गामा, इनके बीच में एंगल कितना था बीटा, इनके बीच में एंगल कितना था अल्फा.
जेड एक्सिस और आर वेक्टर के बीच में एंगल है गामा, गामा, समझ आ रही है? मतलब के कैप और आर वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? गामा। तो यहां पे लिख सकता हूं मैं इस पर्टिकुलर केस के लिए, मैं लिखूंगा कि आर वेक्टर डॉट के कैप इक्वल टू मॉड ऑफ आर वेक्टर मॉड ऑफ के कैप जो कि वन होगा इनटू कॉस गामा। तो हमारा जो कॉस गामा यहां से आया, कॉस गामा वो आएगा हमारा z अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z। ठीक है, तो ऐसे हमारी ये वाली कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू आएगी। यहां से हमें क्या क्या देखो चीजें, डायरेक्शन कोसाइन जो है उनमें रिलेशन क्या आ रहा है उसको जानने की कोशिश करें। डायरेक्शन कोसाइंस में रिलेशन, अगर मैं कुछ ऐसा करूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि रट लोगे आप तो भी सही रहेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू कितनी है निकालो। ये क्या है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस, इनकी वैल्यू बोलो। कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी होगी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू कितनी होगी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे ही कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी होगी जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जब तीनों को एड करूंगा तो नीचे कॉमन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जब कॉमन नीचे कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और ऊपर क्या आएगा ऊपर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर वन। कितनी आ जाएगी वैल्यू वन, क्योंकि ऊपर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, नीचे भी क्या है, नीचे भी क्या है बोलो, नीचे भी क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देन वी कैन से दिस वैल्यू विल बी वन। एक और वैल्यू पूछी जाती है कि कॉस स्क्वायर अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं, वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूं। ऐसे ही कॉस स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकता हूं, वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख सकता हूं। ऐसे ही मैं कॉस स्क्वायर गामा को क्या लिख सकता हूं, वन माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू वन। तो आप देखो साइन स्क्वायर एल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा को आप उधर ले जाओ और वन से एक वन से एक वन को काट दो, तो ये देखो वन और वन टू और साइन स्क्वायर एल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा दूसरी साइड चले गए, तो वैल्यू आपको मिलेगी साइन स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू टू। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी आपको याद आप रख सकते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू टू एंड कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा विच इज इक्वल टू वन। इन दोनों पॉइंट्स को आप याद रख सकते हैं जहां अल्फा बीटा गामा आप समझ रहे हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस से इस पोजिशन वैक्टर का एंगल है और यहां पर यह क्या है इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं क्या डायरेक्शन कोसाइंस, इनको बोलते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। ठीक है ना, लिखिए अब इन चीजों को इस रिलेशन को। अब बात करेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स, लिखिए